तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। जैसा कि हमने आपको कल इसकी पहली क्लास ली थी जिसमें हमने आपको फाइल मेनू बार में चीजें बताई थी, उसके बाद हम एक्सेल पे काम करने से पहले थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन मतलब कि जो हम वैल्यू या नंबर टाइप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सेकेंड मुझे इसमें किसी तरह की कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, राइट? तो अगर मैंने इसमें प्लस करना है हमें, तो हमारे पास देखिए एक्सेल में मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये हमारा पावर होता है। एक शिफ्ट के साथ सिक्स प्रेस करते हैं तो ये आता है पावर, राइट? तो इनकी मदद से आप किसी भी सेल की वैल्यू में कुछ भी ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 500 दिया है और मुझे 500 दिया है और मुझे 500 का 20% निकालना है, 20%। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इक्वल प्रेस करना है, 500 को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 20% कर देना है। यहाँ पर आपका इसका 20% कैलकुलेट होके आ जाएगा। सेम उसी तरह से ए आपकी वैल्यूज है, अगर इनको आपस में जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला है। सम का फॉर्मूला जो है इनबिल्ड फॉर्मूला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए आपका इनबिल्ड फॉर्मूला है। आपने क्या किया, जस्ट इक्वल लगाया और सम का फॉर्मूला लिया और टैब मारिए या फिर ब्रैकेट ओपन करके आपने सम के फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा इनबिल्ड फॉर्मूला है। तो कैलकुलेशन दो तरीके से होती है, एक हमारा होता है इनबिल्ड कैलकुलेशन, दूसरा होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे दो वैल्यू को आपस में जोड़ना है तो मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई करूं और सम के फॉर्मूले में इनको इनका रेफरेंस दे दूं माउस से सिलेक्ट करके, या फिर मैं इसमें इसको प्लस करूं और इसको प्लस करूं, ये आपस में ये हमारा जुड़ जाएगा। तो आज बोला हूँ, एक लड़का इंटरव्यू में बैठा हुआ है सर, बार बार फोन कर रहा है, मैं उसे डांट देता हूँ कि दोबारा मत फोन करो, एक मिनट दीजिए सर, सॉरी। तो यहाँ पे हम सम का वैल्यू अप्लाई कर देते, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे हम अपना मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ कर सकते हैं या फिर वैल्यू के साथ कर सकते हैं। तो यहीं पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्या होता है कि जो इनबिल्ट फार्मूला जैसे सम हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, ऐसे जो फार्मूला है वो लिमिटेड है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके लिए कोई कैलकुलेशन हो ही ना, कुछ कैलकुलेट करना हो तो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने आपके यहाँ पे परसेंटेज निकाला, इस तरह से आप परसेंट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 100 मुझे पता करना है कि भाई 500 में 100 क्या परसेंटेज है, तो आप 100 डिवाइड बाई 500 कर सकते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं वो यहाँ करने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ आप परसेंटेज पे क्लिक कीजिए 20% आ जाए। तो चलिए कुछ ऐसे एग्जांपल आज डिस्कस करेंगे जो हमें सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन में मेरे पास 200 है, क्वार्टर टू में 210 है। अब मुझे पता करना है कि ग्रोथ कि कितना परसेंट ग्रोथ हुआ। तो दीपक जी, ग्रोथ के लिए एक्सेल में तो फॉर्मूला मान लीजिए नहीं है, या है तो उस पर ट्रस्ट नहीं है, या आपको अप्लाई नहीं आता है, या उसकी कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे, ग्रोथ कैसे निकालेंगे सर? दीपक जी, हेलो, एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो ग्रोथ के लिए अगर हम बात करें एक्सेल की, तो एबीए नोट पैड की, तो ग्रोथ के लिए होता है लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलत हो गया,
डिवाइड बाय ओल्डेस्ट. तो लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट एक ग्रोथ परसेंटेज के लिए अप्लाई किया जाता है, राइट सर. अब इसी चीज को हम यहां पे करना चाहते हैं. तो लेटेस्ट हमारा क्या है, क्वार्टर टू है, ओल्डेस्ट हमारा क्वार्टर वन है. अब मुझे सबसे पहले लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट. ओके, अब क्या है एंटर मारने पे रिजल्ट सही आएगा दीपक जी, सलेंदर जी, एंटर मारने पे रिजल्ट सही आएगा? ओके. और रोशन जी आप क्या बोल रहे हैं? रोशन जी से पूछ रहा हूँ, रोशन जी सही बोल रहे हैं, आएगा रिजल्ट? सर मैथमेटिक्स छोड़े कितना दिन हो चुका है? चलो एक मिनट में डिवाइड बाई डी एड कर दिया. चलिए मैथमेटिक्स छोड़े कितना दिन हो गया बताइए ना सर, लंबा हो गया ऐसा लग रहा है. इसमें हमने बोट मास मेथड यूज नहीं किया है. अभी क्या होगा कि डी एट डिवाइड बाई डी एट माइनस ई एट हो जाएगा, जबकि होना चाहिए था ई एट माइनस डिवाइड बाई ई एट माइनस डी एट, और उसकी रिजल्ट में हमें डी एट को डिवाइड करना है, समझ गया ना. तो जब भी आप मैथमेटिक्स में दो चार कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन को सेपरेट करें ब्रैकेट से, जिसको हम लोग आठवीं क्लास के मैथमेटिक्स में बोर्ड या सातवीं में बोर्ड मास मेथड कहते थे, याद है. यहां पे आपके सामने रिजल्ट आ गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया. मनीष अग्रवाल जी समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? तो हमने यहां पे सेम प्रोसीजर को फॉलो किया कि D8 E8 माइनस D8 डिवाइड बाय D8, तो लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, बोर्ड मास का मेथड लिया. अब दूसरी चीज, अगर कभी रिजल्ट गलत आ गए, अब आपको देखना है कि आपका फॉर्मूला परफॉर्म कैसे हो रहा है, तो आपको जाना है फॉर्मूला मेनू बार के अंदर. फॉर्मूला मेनू बार के अंदर यहां पे दिखेगा आपको एवलेट फॉर्मूला. अब इस एवलेट फॉर्मूला पे आइए और एवलेट पे क्लिक कीजिए. देखिए 10 माइनस 200 रिजल्ट आया 10 एंड 10 डिवाइड बाय 200 तो 5% आ गया रिजल्ट. ये तो हुई सिंपल सी कैलकुलेशन की बात. अब हम बात करते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड अगर हो तो क्या करें. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही कॉमन सी एक है कि हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास रेट है, हमारे पास टाइम है. जैसे कि अगर आपने 50,000 रुपीज किसी से लिया, मान लीजिए 8% की इंटरेस्ट रेट पे 3 सालों के लिए, तो उसका अमाउंट क्या होगा, राइट सर. इसके लिए एक्सेल में पीवी का फॉर्मूला है, नहीं एफबी का, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं. बट हम यहाँ फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि इनकी मदद से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आपस में, इसके बारे में बात करते हैं. दीपक जी प्लीज आप माइक करके बोल दिया, क्योंकि मैं चैट पे हमेशा ध्यान नहीं रखता सर, तो मैं आपकी रिप्लाई और आपके क्वेश्चन को शायद मैं ना देख पाऊँ उसी टाइम पे, क्योंकि मेरी नजर स्क्रीन पे है सर. तो यहाँ पे प्रिंसिपल रेट अमाउंट लिखाना है, तो इसके लिए एक्सेल में ऑलरेडी एफबी का फॉर्मूला है. जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मूलेस तो है बट लिमिटेड है, या फिर वो तरीका नहीं है जिस तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो हम उसको अपने मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फॉर्मूला आप तो चलो दिया हुआ है उसको अप्लाई कर लेंगे, लेकिन जब खुद की कैलकुलेशन की बात आती है
तो वहां पे आप नोट पैड में तो भी आराम से कैलकुलेट कर लेते हो, बट एक्सेल में कैलकुलेटिंग में दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज यही है कि एक्सेल में कैलकुलेटिंग कैसे करेंगे। तो रोशन जी पता है आपको ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है मैथमेटिक्स में? तो याद क्या कीजिए, बच्चे को पढ़ाने का काम आएगा। आप 15 दिन जैसे घर पे बैठे हैं, ऐसे तो बच्चे को ट्यूशन दे सकते थे आप अपने। तो अमाउंट इक्वल टू, हमारे पापा कहते हैं, मैंने अपने बेटे के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ रहा था तो पापा ने मुझे गाली दी और बोला कि तुमको लालच है अपने पढ़ाई पे, जब तुम्हारा बच्चा दूसरा आधा पढ़ेगा तो तुमको इतना तुमको पढ़ाने का फायदा क्या होगा, मेरा सारा पढ़ाया हुआ पैसा और टाइम वेस्ट कर दिया तूने अपने बेटे के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ गया। मैं उनकी बात को काफी सीरियस ले लिया, ये बात तो सही कर रहा है। चलिए तो मजाक की वाली बातें, तो चलिए बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे बोलते रहता हूँ मैं। ये है हमारा सरल, सबसे सिंपल जो है कैलकुलेशन। सुलेंद्र जी आप ना वेबकैम ऑन कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वेबकैम ऑन होने पे इंटरनेट की स्पीड कम जाती है सर। हाँ ऑफ कर, सही रहेगा। तो ये है हमारे मैथमेटिक्स कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई वन प्लस, प्लस ऐसे मल्टीप्लाई नहीं है, वन प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन, राइट सर? तो यहाँ पे अगर हम इस बोलें कि a इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई वन प्लस r डिवाइड बाई n पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाई n, अब इसमें n क्या है, तो n इक्वल टू 12 है, क्योंकि ये पीरियड है। अगर आपकी मंथली कैलकुलेशन है तो आपका 12 होगा, क्वार्टरली है तो 4 होगा, हाफ ईयरली है तो 2 होगा, ईयरली है तो 1 होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट कब के कैपिटल में जुड़ेगा, किस पीरियड बाद, उसका यहाँ पे एन ओ होता है। तो अब चलिए, अब यहाँ पे कुछ दिक्कत है कि सर ये तो काफी बड़ी कैलकुलेशन है, क्या काफी बड़ी कैलकुलेशन है, तो क्या करें इसके लिए? तो इसको हम टुकड़ों में करेंगे सर। अब यहां पे एक बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं, उसको बोलते हैं हम फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। ये मेरा, मैंने खुद इसको याद किया है। क्या होता है कि हम जब भी कोई फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है कि हमें कई सारे फॉर्मूले, यही पे देखिए आपको कई सारे कैलकुलेशन को आपस में मर्ज करना होता है। तो अगर हम एक साथ मर्ज करें तो कहीं पे ब्रैकेट या कहीं पे कॉमा वगैरह छूट सकता है। तो हम बच्चों को सलाह देते हैं कि आप लोग जो है इसको अलग अलग कैलकुलेट करें, फिर उसको आपस में मर्ज करें। तो यहां पे एक नई चीज आपको सीखेगी कि आगे चल के जब आप बहुत लंबे लंबे फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, ये आज मैं इसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहां पे करते हैं टुकड़ों में कि वन यहाँ पे आर डिवाइड बाई 12, एन मतलब कि 12, फिर यहाँ पे करते हैं यहाँ पे इक्वल वन प्लस, इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा वन प्लस आर डिवाइड बाई एन हो गया। फिर मैं यहाँ टाइम को लेता हूँ और इसको मल्टीप्लाई बाई एन कर देता हूँ, मतलब कि 12। यहाँ आप देख रहे हैं 36, तो एक कैलकुलेशन हो गई। अब इन दोनों का मुझे पावर निकालना है, तो हमने क्या किया, इसको पावर का साइन ए दिया और ये हमारा पावर निकल गया। अब मैंने ये पूरा कैलकुलेशन कर लिया, ये सारे कैलकुलेशन को अब पी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे
पी हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई बाय ये जो हमने पावर निकाला वो हो गया एफ एटीन। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 63,511.90 टोटल रिजल्ट हुआ, समझे। मैं दोबारा समझाता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने वन प्लस, फिर सबसे पहले हमने टाइम जो हमारा रेट है उसको मंथली कन्वर्ट किया, फिर उसके वन प्लस जोड़ दिया, उसके बाद हम यहाँ पे टाइम को मल्टीप्लाई किए 12 से, फिर इन दोनों का पावर निकाला और फिर इनका हम मल्टीप्लाई बाई पी कर दिए तो निकल गया। तो इसमें एक चीज और भी होता है कि अगर मैं यहाँ पे वन प्लस ना करूं और सीधे मैं यहाँ पे पावर निकाल देता हूं इसको, इससे इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं अपने प्रिंसिपल से, नहीं गलत हो गया, नहीं ये अलग है, इसमें कुछ अलग है, नहीं मैं गलत कर दिया, माफ कीजिए, मैं वापस कर दिया। तो यहां पे हमने वन प्लस एक करके हमने आपस में कैलकुलेशन कर लिया, पहले हमने डिवाइड किया फिर वन प्लस कर दिया तो वन प्लस आर डिवाइड बाई एन हो गया, फिर हमने टाइम को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों का पावर निकाला और फिर उस पावर को हमने ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया प्रिंसिपल से, तो हमारे पास टोटल अमाउंट निकल आया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? रोशन जी, सुरेंद्र जी, दीपक जी, को डाउट, मनीष जी, ओके। अब इसमें अगला क्वेश्चन, इसमें अगला पार्ट ये आता है कि आप मुझे इसको एक सेल में यहां निकालना था, इतने सारे सेल ले लिए ये तो गलत था, अब उसको वन बाय वन इसको आपस में मर्ज करना है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा। तो हमने क्या किया कि क्या ये क्या है, डी सेवनटीन है, डी सेवनटीन मतलब डी रो एंड सेवनटीन, तो डी कॉलन एंड सेवनटीन रो। तो यहां हम आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहां पे हम डी सेवनटीन के जगह पे ब्रैकेट में पेस्ट कर देते हैं, क्या पेस्ट। अब यहां पे आते हैं तो इसमें ई सेवनटीन और एफ सेवनटीन है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी फॉर्मूला हमने इसी में मर्ज कर दी। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, ये कौन सा रिजल्ट है, ई सेवनटीन। यहां जहां हमारा ई सेवनटीन है वहां पे हम इसको ब्रैकेट में, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में पेस्ट कर देते हैं। मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो पड़ेगा। इसी तरह से ये हमारा एफ सेवनटीन है, एफ सेवनटीन का फॉर्मूला विदाउट इक्वल, ध्यान रखिएगा इक्वल को कॉपी मत कीजिएगा, तो क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और यहां पे जहां उसका एड्रेस है उसके जगह पे ब्रैकेट के साथ पेस्ट कर दीजिए, और फिर हमने इसको वापस कॉपी किया और यहां जहां पे एफ 18 है, एफ 18 पे इसको पेस्ट कर दिया, ओके? मतलब कि अब ये सब डिलीट कर दूंगा तो मेरे रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक साथ इतना बड़ा लिखने में हो सकता है कि कहीं पे ब्रैकेट कम या ज्यादा लग जाए, इसलिए हमने पहले टुकड़ों में किया और फिर उसको वन बाय वन मर्ज कर दिया। अब यहां पे क्वेश्चन है कि मुझे रिजल्ट तो यहां चाहिए बट ये तो यहां आया, तो इसके दो उपाय हैं कि जब मैंने यहां पे कैलकुलेशन फाइनल किया तो फाइनल कैलकुलेशन में यहां पे करता तो मर्ज यहीं पे हो जाता, नहीं तो कोई बात नहीं इसको आप कंट्रोल एक्स करें, मतलब कि कट, यहां जो होम में कट होता है, मूव इसको बोलते हैं, कट कीजिए और फिर यहां पे पेस्ट कीजिएगा, कॉपी मत कीजिएगा वरना आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, ओके। ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो फॉर्मूला मर्ज करना समझ में आया, या दूसरा एग्जांपल दू? चल चलिए एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा क्या, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें अधिकतर का सर चकरा जाता है। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है जो कि 50 रुपीज है, मान लीजिए मुझे इसका एमआरपी निकालना है, राइट। तो
एमआरपी में कहता है कि मैन्युफैक्चरर कहता है कि मैं 50 रुपीज जो मेरा कॉस्ट है उसका 5% प्रॉफिट रखता हूं और इस प्रॉफिट को ऐड कर देता हूं अपने प्रोडक्ट में 52 रुपीज और इसको 52 रुपीज में मैं डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि जो हमें मैन्युफैक्चरर हमें देता है जिस रेट में, उस रेट में मैं इसमें इसका मैं 10% कमीशन निकालता हूं और अपने खरीद में जोड़ देता हूं। यहां देखिए जोड़ रहा हूं मैं 57 रुपीज और ये मैं होलसेलर को दे देता हूं। होलसेलर कहता है कि जो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर देता है जिस रेट पे उसका मैं 15% कमी अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता हूं, निकालता हूं और फिर उसको अपने खरीद में ऐड करता हूं। खरीद कितना 57 रुपीज है, ये ऐड कर दिया और फिर मैं रिटेलर को दे देता हूं। रिटेलर कहता है कि जो होलसेलर मुझे जिस रेट में देता है उस रेट पे मैं 20% का मार्जिन ऐड करता हूं और मैं उसको अपने प्रॉफिट में अपने प्रिंसिपल में ऐड करके मैं इसको बेच देता हूं। तो आपके सामने रिजल्ट 79.695 है, तो मतलब कि 50 रुपए की कॉस्ट के सामान 79 रुपीज में बिक गए। अभी जो कैलकुलेशन हमने किया ये सारे कैलकुलेशन को मुझे एक सेल में करना है ताकि मैं इसको यहां रख सकूं, ठीक है। तो अब देखिए हम यहां से चलते हैं, इसमें एक फॉर्मूला डाला हुआ है और ए इससे लिंक है, मतलब कि C13 तो जो C13 का फॉर्मूला है उस पर डबल क्लिक कीजिए या ऊपर यहां दिख रहा होगा इस पर क्लिक कीजिए और इसकी फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए और फिर यहाँ जहाँ इसका C23 था उसके जगह पे उसको डिलीट कीजिए और उसको ब्रैकेट के अंदर जाइए और अपना वो फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए, ओके। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं वापस इसको कॉपी करता हूँ सेम इक्वल के बाद से और यहाँ जहाँ C24 है उसके जगह पे C24 का फॉर्मूला पेस्ट करूंगा। यह हमारा C24, जहां का C24 है सब जगह। अब मैं C24 को डिलीट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं D23 को, हाँ कॉपी किया सिलेक्ट करके और यहां नीचे D23 ऐड है, D23 में उसका फॉर्मूला उसके जगह पे डिलीट करके मैं डाल देता हूं। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब धीरे धीरे फॉर्मूला आपका लंबा हो रहा है, देखिए इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ D24 के जगह पे D24 का फॉर्मूला पेस्ट करूंगा और यहाँ भी D24 है इसके जगह पे इसका फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया। मैं इसको डिलीट करूंगा तो कोई फर्क नहीं है। फिर वापस मैं इसी पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ये कितना है E23। अब यहाँ पे जहाँ E23 है उस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो E23 सेलेक्ट हो जाएगा। इसी पे आप ब्रैकेट दीजिए, पेस्ट कीजिए एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर कोई गलती होगी तुरंत आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा तो Ctrl+Z कर लीजिएगा, ठीक है। वापस मैंने इसको कॉपी किया और यहां जहां E24 है उसके जगह पे पेस्ट कर दिया और एंटर मारा और इसको डिलीट किया। अच्छा डिलीट किया तो देखा फर्क हो गया, तो Ctrl+Z करते हैं क्योंकि हमने इसमें पेस्ट नहीं किया है E24 के जगह पे, तो इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब मैं डिलीट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ गलत होगा तो तुरंत आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा तो Ctrl+Z कर लीजिए। फिर मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे आया और जहाँ पे हमारा F23 है उसके जगह पे इसका फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया और फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर Ctrl+X किया या फिर इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे आके पेस्ट कीजिए तो आपका रिजल्ट आपके सामने। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, 69 टाइप करूँगा तो 69 आ जाएगा, 70 के हिसाब से आ जाएगा।
अब उन्हें इतना लंबा फॉर्मूला न मैं लिख सकता हूं ना आप एक साथ लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं किसने किसी कॉलम को गलती हो ही जाएगी। ये था हमारा फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस पर कमाल नहीं होगा। लेकिन इस मेथड को आप याद रखिएगा, आगे चल के जब मैं आपको फॉर्मूला या कैलकुलेशन सिखाऊंगा वहां पे आपका काम आएगा। तो मनीष जी, अब तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। मनीष जी आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करेंगे तो आप बात हो सकती है। पावर मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर करना है ना आपको। हाँ, जैसे 10 स्क्वायर 2, तो ये आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करके 100 आ जाएगा। तो पावर ये होता है जो ऊपर स्क्वायर होता है, क्यूब होता है ना, ठीक है। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आप मैथमेटिकल फॉर्मूला भी अपना सकते हो, जो कि एक्सेल इनबिल्ट की सम है, या फिर मान लीजिए कि मैक्स निकालना है तो मैक्स का फॉर्मूला है। तो आप जहां अप्लाई करने वहां पे इक्वल कीजिए, फॉर्मूला लिखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और अपने रेंज को सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर मारिए, यहां पे आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा। एवरेज निकालना है, इसी तरह से आपका एवरेज का फॉर्मूला है, ठीक है। एवरेज आप सिलेक्ट किया आपने रेंज को, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया, आपका एवरेज निकल गया। तो ये चीज़ फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मूले तो मैं आगे चल के सिखाऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ मैंने आपको दूसरी क्लास में इसलिए बताई क्योंकि आगे चल के जैसे कि आपको फॉर्मेटिंग करना है या फिर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो वो फॉर्मेट तो तैयार करेंगे पहले आप। उसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब अभी हमने थोड़े दिन में पढ़ाऊंगा आपको, थोड़े एक दो दिन में, तो वहाँ पे ये जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो इस तरह की कैलकुलेशन मोस्टली हम यूज करते हैं। तो कैसे करें तो इसमें काम आएगा आपको, ठीक है। लेकिन ये तभी ये जो है मैथमेटिक्स से रिलेट करती है, थोड़ी सी आप गूगल पे जाए, मैथमेटिकल फॉर्मूले 2-4-10 निकालें और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करें। नहीं आपके घर में बच्चे हैं तो आप 6th, 7th, 9th के बच्चों का बुक उठाएं, उसके जो आपको सांख्यिकी या क्या बोलते हैं उसको कैलकुलस कैलकुलेशन वाली जो चैप्टर्स हैं उसमें उठाएं कि स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर की परिधि क्या होती है वगैरह वगैरह, वो आप उस पर कैलकुलेशन करें तो समझ में आ जाएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके पास फॉर्मूले लिमिटेड है, समझ गए ना। तो अगर कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ गई, अगर आप मान लीजिए अगर आप इससे हैं सिविल इंजीनियरिंग से हैं या फिर आप प्रोडक्शन टीम से हैं या फिर आप शेयर मार्केट से हैं, तो आपकी खुद की कैलकुलेशन होगी जो कि नोट पैड पर आप करते होंगे, वो कैलकुलेशन यहाँ आप इजीली कर लेंगे। जैसे कि मुझे थोड़ी दिन पहले एक सूरत से किसी का कॉल आया था, उन्होंने बोला था कि मेरे पास हम कलरिंग कपड़े के कलरिंग का काम करते हैं। तो क्या होता है कि हमें कलर बनाने होते हैं, तो हमें कलर का मात्रा होता है, मात्रा डालना होता है। मात्रा डालने से पता चल जाता है कि कौन कितना कलर डालना है। जैसे हमने कलर कोड डाला कि भाई मुझे 50% कलर डालना है, तो उसमें हम मुझे बता देता है कि आर इतना डालना है, ग्रीन इतना डालना है, येल्लो इतना डालना है। मैंने 3 या 4 कलर होते हैं, तो इसमें आपको 5 ग्राम डालना है, ग्रीन आपको 10 ग्राम डालना है, येल्लो आपका 36 ग्राम डालना है, टोटल आपको कलर इतना डालना है, ठीक है। उसमें आपको कलर का रेजुलेशन का परसेंटेज है, वो इतना परसेंट हो जाएगा, व्हाइट में व्हाइट इतना परसेंट दिखेगा, कलर इतना परसेंट दिखेगा, उसकी एक कैलकुलेशन थी, वो कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाती थी। तो उनकी एक कैलकुलेशन थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं हमने ये कहाँ से दिया, तो बोलते नहीं मैं अभी तक जो काम किया हूँ पिछले 30-35 सालों में, तो हमने अपने सीखा, क्योंकि हमें नए कलर बनाने पड़ते हैं, नए कलर हमें बनाने पड़ते हैं। तो हम लोग कई सारे कलर को ग्राम में डाल के एक्सपेरिमेंट करते हैं और कलर निकालते हैं कैसा कलर दिखेगा, फिर उस कलर को पास करवाते हैं, फिर वो कलर हमारे कलर कोड में ऐड हो जाता है। तो हम जो है हमारे पास 8 या 10 कलर होते हैं, 8 और 10 कलर को हम एक मात्रा में डालते हैं और वो कलर क्रिएट करते हैं।
तो वहां भी क्या था कि उनकी कैलकुलेशन कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं थी, उनका खुद का कैलकुलेशन था और वो अक्सर में स्कोर बनाना चाहते थे। तो हमने बताया कि जो कैलकुलेशन आप मैथमेटिक्स में करते हैं, मैथमेटिक्स में आप यही करते हैं, यही करते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके अलावा कोई और कैलकुलेशन तो होती नहीं है क्या? तो इसका यूज आप कर सकते हैं, तो आप लोग इसकी यूज कीजिए।